मनी प्लांट को बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस पौधे का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। इसे घर में लगाने से समृद्धि आती है। यही वजह है कि अक्सर लोग अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं। यह एक बेल के रूप में होता है। वास्तु में मनी प्लांट को धनदायक पौधा कहा गया है। इसे घर में लगाने से धन संपदा में वृद्धि होती है। घर में रुपए पैसों का आगमन सुचारू रूप से बना रहता है। कहते हैं कि मनी प्लांट जितनी हरी भरी होती है घर में उतनी ही धन वृद्धि होती है, लेकिन वास्तु में मनी प्लांट लगाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो धन वृद्धि की बजाय आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मनी प्लांट लगाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मनी प्लांट को धन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस पौधे को हमेशा घर के भीतर लगाना चाहिए। कभी भी घर के बाहर मनी प्लांट न लगाएं। मनी प्लांट को सीधी धूप से दूर रखना चाहिए, अन्यथा ये सूखने लगेगी। सूखती हुई मनी प्लांट आर्थिक तंगी की ओर संकेत करती है। मनी प्लांट को यदि गमले में लगा रहे हैं तो उसे किसी बड़े गमले में ही लगाएं ताकि भली प्रकार से बढ़ने की जगह मिल सके। मनी प्लांट की दिशा पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। गलत दिशा में लगी मनी प्लांट आपकी आर्थिक उन्नति में बाधा बन सकती है। मनी प्लांट को हमेशा आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के घर की मनी प्लांट अपने घर में लाकर न लगाएं। कांच की हरी या फिर नीले रंग की बोतल में मनी प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। ये धन को आकर्षित करती है। मनी प्लांट को लगाते समय ध्यान रखें कि उसकी बेल ऊपर की ओर जाती हुई हो। ऊपर की तरफ बढ़ती हुई बेल समृद्धिदायक होती है, तो वहीं नीचे की तरफ लटकती हुई मनी प्लांट से आर्थिक रुकावट पैदा हो सकती है।